हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिलहाल आप लोग कह रहे हो हर वीडियो में ये बोलती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक्साइटेड होती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोग के साथ अपना जो एक्सपीरियंस होता है शेयर करने के लिए। पहले मैं बता दूँ, मैंने ये अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस तरीके से मुझे मिला है और अमेजोन की इस तरीके की पैकेजिंग मतलब फर्स्ट टाइम आई है, नहीं तो मोस्टली ऐसे इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये प्रोडक्ट भाई मुझे सेकेंड डे डिलीवर्ड हो गया था, बहुत ही फास्ट इसकी डिलीवरी थी। तो किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे ना। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दी, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं समझ गई थी लोग इसको देखना चाहते हैं। और एक्चुअली मैं इसको खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए, बट मैं थोड़ा डिले कर दिया इसको मैंने दिखाने में, क्योंकि उनकी तबियत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत फीवर कोल्ड कफ था, तो इस वजह से। तो आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेकअप करके अपनी तबियत को साइड करते हैं। ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप अमेजोन पे देखेंगे ना, आपको बहुत सारे मतलब ऐसे ऑप्शंस मिल रहे थे, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं लूँ कौन सा। जो दो तीन और किट थी मैं उनमें कंफ्यूज थी, ऐसा लग रहा था ये ले लूँ, फिर लगा नहीं ये ले लूँ, फिर लगा नहीं ये ले लूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा मैं लेट हो गई लेने के लिए, बट फाइनली मैंने ये ले लिया। मैंने कहा देख लेते हैं, एक बार ले लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसको लेने के बाद, इसके बाद फिर देखेंगे, नहीं तो वो भी ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, टोटल 12 डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाते हैं और ये ना पाउडरी फॉर्म में है। तो इसी का रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, रिव्यू भी दूंगी, ट्राई ऑन भी करूंगी और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए पिलक से देखकर स्टार्ट करते हैं। इसका MRP देखिए लिखा हुआ है 2199, बट मुझे ये मिला है 999 में। और मैं आपको बता दूं ये 1299 का मिल रहा था, बट अभी ऑफर में था, तो मैंने इसलिए भी इसको जल्दी से ऑर्डर कर दिया। वेबसाइट पे मेरी विश लिस्ट बनी पड़ी रहती है लंबी चौड़ी, तो जहां पर मुझे जो ऑफर में मिलता है मैं तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है, खाली इसमें लिखा हुआ है मैनुफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो उसकी मैनुफैक्चरिंग डेट है जून 2022 और एक्सपायरी जो है वो है जून 2026। और इसके इंग्रीडियंट्स भी इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट एक्वा ग्लिसरीन पॉलीसल्फेट 20 एक्सिया स्नेगल गम फेनोक्सिथॉल। तो इसमें ये सब ग्लिसरीन वगैरह पड़ी हुई है, जिससे कि मतलब आपको ये कहीं से भी मतलब हार्म ना करे आपको। अब आप मुझे बताइए कि ये 999 के हिसाब से वर्थ है कि नहीं है, बट अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे शेड मिल रहे हैं, बट ना इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, बट हम यूज़ करेंगे और तब देखेंगे। ये बहुत इतना सा ही है मतलब ये, लेकिन ये है कि हाँ अगर ये बहुत कम अमाउंट में लग रहा होगा और काफ़ी पिगमेंटेड होगा तो मुझे लगता है कि तो इसके लिए मुझे ना पहले लेना पड़ेगा ब्रश और थोड़ा सा पानी, तो मैं वो लेकर आती हूँ। तो गाइस मैंने ब्रश ले लिया है और ये ना वाटर कलर करने वाला ब्रश है, क्यूँकि इतना बारीक ब्रश मुझे मिल रहा था है मेरे पास, बट वो यही होता है ना टाइम में मिलता नहीं है, तो मैंने यही ले लिया क्योंकि ये यूज नहीं हुआ, एकदम न्यू है। तो अच्छा पहले मैं आपको इसका नाम बता दूँ, तो इस पर मतलब पैकेजिंग में तो ऐसा कुछ नाम था नहीं, तो जो इस पर मतलब वेबसाइट पर जो इसका नाम लिखा था वो था नियॉन पिगमेंट, मतलब टावर सी शेप में आता है नियॉन पिगमेंट टार, मतलब टार नहीं लिखा था इसमें, स्टैक लिखा था नियॉन पिगमेंट स्टैक 12 वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब ऐसे बहुत सारे आपको छोटे 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 डब्बे कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक में ही है, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, मुझे ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइनर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके का ये वाला जो इसमें नियॉन शेड है इसी को लगा के देखूँ और मेरा लुक भी थोड़ा सा मैच होने लगेगा, या फिर हाँ यही लगाऊंगी मैं। तो क्योंकि कई बार कैसा होता है ना कि आप कुछ थोड़ा फंकी लुक वगैरह करो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप लाइनर लगाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं और ट्रेंड में भी है ये, तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम से मन था। और इससे आप चाहें तो आई मेकअप भी कर सकते हैं वाटर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लुक करना चाहते हैं वो भी इससे कर सकते हैं। और उसमें दिखा रहे थे कि ये मतलब लाइट ऑफ होने पर भी शाइन करता है, तो उसको भी हम ट्राई करके देखेंगे कि वैसा करता भी है कि बस ऐसे ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका नियॉन शेड ओपन कर लेती हूँ, मैं आपको सारे शेड दिखा दूंगी करके मोस्टली कि कैसा मतलब लग रहा है, बिल्कुल मेरे इससे मैच हो रहा है मेरे टॉप से। और आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं था तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा लुक कर लिया है, तो यार मुझे मिला नहीं, मैंने इसी प्लेट को ले लिया, इसी में मैं थोड़ा सा लगा कर लूँगी। तो जो इसमें कैप में है ना, बट इसको थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, गिरने का डर बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको केयरफुली नहीं करेंगे तो जो इसके कैप में था मैं वही डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ, थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि मुझको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होगा मेरे ख्याल से। और मैं ब्रश में ही पानी लगा रही हूँ और उसके बाद इस तरीके से मिलाने में टाइम लग रहा है, इसके छोटे 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 पार्टिकल्स है ना वो जल्दी से मतलब ब्लेंड नहीं हो रहे पानी में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मिलाने में, इसको अच्छे से मिला के फिर मैं कहूँगी लगाना, आप जल्दीबाजी नहीं करूँगी मैं भी क्योंकि मुझे एकदम अच्छा रिजल्ट चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने अच्छे से किया नहीं।
यार चल तो बहुत अच्छा रहा एकदम सेम टू सेम। आप देखिए बिल्कुल मेरे टॉप के शेड का हो गया ये, और ये सूख बहुत जल्दी सूख रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए बहुत ही जल्दी से ड्राई हो रहा है। तो आपको फटाक से लगाना है, मतलब टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा, और मेरा ब्रश इतना अच्छा है नहीं तो थोड़ा मोटा लग रहा है। तो मैंने इस तरीके के खूब लंबे लंबे पिंक निकाल के लगाए हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइज? ये ना ब्रश एक्चुअली काफ़ी मोटा है, अगर थोड़ा सा पतला ब्रश होता तो ये, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉल आउट भी हो रहा है यहाँ पर अब ये, तो मतलब आपको अच्छे से ब्रश को पूरा अच्छे से पूरा ब्लेंड करने के बाद लगाना है, नहीं तो थोड़ा फॉल आउट होगा। और या तो आप मतलब अपना बेस बनाने के पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद आप, तो यहाँ पूरी तरीके से ड्राई हो गया है तो अब ये और ज़्यादा मतलब डार्क हो रहा है, अब आपको दिख रहा है। तो ये मतलब सूखने के बाद और ज़्यादा पिगमेंटेड हो गया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। अब मैं इसको ड्राई भी एक बार ट्राई करना चाहूँगी कि ड्राई किस तरीके से काम करता है ये। तो बस इसके साथ यही है, थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड आइनर कैप खोला सीधा लगा लिया, इसमें आपको थोड़ा तामझाम वाला मतलब है ये कारोबार, बट कभी कभार यूज़ करने के लिए अच्छा है क्योंकि इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, तो उतनी पिगमेंट आपको मुझे लगता है कि नॉर्मल आइनर में मिलने वाली है। तो चलो अभी जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो कुछ पर्पल सा है शेड, डार्क एकदम, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा जैसे पाउडरी फॉर्म में है ना तो उतना ज़्यादा मतलब पिगमेंट नहीं करेगा जितना कि ये कर रहा है, आप देख सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप इस तरीके लगा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप चाहें तो इसको बहुत ही कम अमाउंट पे लेके हल्का हल्का आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले आपको आई मेकअप करना है उसके बाद ही आपको बेस बनाना है अगर आप इसको पाउडरी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो, क्योंकि जब ये लिक्विडी फॉर्म में मतलब हो रहा है फॉल आउट हो रहा है तो पाउडरी फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से जाके अंदर को जो हम कैट वाला आईलाइनर ड्रॉ करते हैं ना, तो ऐसे जो ये नियॉन वाले शेड है ना ये बहुत ही अच्छे लगते हैं उसमें, तो कुछ क्रिएटिव करने का कभी कभार मन करता है तो उस वजह से मैंने इसको मंगा लिया। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये ना वाटरप्रूफ भी है, तो एक बार हम उसको भी ट्राई करेंगे कि सच में वाटरप्रूफ है कि नहीं। तो अभी मैं लिक्विड फॉर्म में सारे तो नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन एक बार मैं ये जो नियॉन वाला शेड है इसको भी लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना चाहूँगी, तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। नीचे मैंने ग्लास रखा है एक्चुअली, इसलिए बार बार झुक रही हूँ, उसमें पानी है। पाउडरी फॉर्म में लगाने पे जो उसमें शेड है सेम वही आ रहा है, और थोड़ा सा आप अगर पानी में कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेड क्या पता सूखने के बाद वैसा ही आए, और थोड़ा ऐसा कि मैंने वही ब्रश यूज़ किया है इसलिए क्या पता कलर चेंज हो रहा है, बट बाकी इसकी फिर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है पहले वाले से, इस तरीके से हो रहा है डार्क हो जा रहा है। और तो अभी इसको हम ड्राई होने देते हैं, तो इससे ना यार आप बहुत तरीके की मतलब लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोग मतलब जो बटरफ्लाई वगैरह बनाते हैं, कुछ हेलोवीन वाले जो मेकअप करते हैं उस तरीके उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, टाइगर प्रिंट वाले जो फेस बनाते हैं कोई, मतलब बहुत ही क्रिएटिव यार, बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, तो ये उन सब उस चीज़ के लिए भी आप देखिए ये ड्राई हो गया है तो आप इसकी पिगमेंटेशन। और ये ना कैसे कि मेरे ब्रश में ना थोड़ा सा पुराना वाला शेड था शायद इसलिए भी, क्योंकि नीचे जो शेड आ रहा है ना वो एकदम प्रॉपर आ रहा है, ऊपर वाला थोड़ा सा अलग आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो मतलब लिक्विडी फॉर्म में ये सेम टू सेम वही लगने वाला है, बट वो मेरे ब्रश से थोड़ा सा अलग दिख रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप इसको थोड़ा सा पानी में करके अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो मैं सारे ही शेड के स्वाचेज आपको ना अभी अपने हाथ पे दिखा दूंगी, तो एक तो आपने ये देख ही लिया। इसके साथ एक चीज़ है कि अगर आप इसको सोचें कि हमको सिर्फ एक की ज़रूरत है तो हम एक ही लेके जाएं, तो नहीं, क्योंकि अगर आपने खोला तो इसको ये ऐसे खुला ही रहेगा, तो आपको ये पूरा ही लेके जाना रहेगा। यार स्कूल टाइम में कौन वाटर कलर्स यूज़ करता था और किसको बड़ा अच्छा लगता था कलर के साथ खेलना, मैं तो बहुत खेलती थी, मैं पता है अलग अलग कलर लेकर और डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बनाती थी, तो आज मुझे कुछ वही वाली फील आ रही है अपने स्कूल टाइम वाली। तो यहाँ पे हमने कर लिया है ये पिंक कलर, तो मैं आपको अब इसका भी दिखाती हूँ। वाह बहुत सुंदर, और मतलब ना बहुत ही जल्दी से ड्राई हो रहा है, टाइम ही ले रहा है बिल्कुल भी ड्राई होने में ये। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑरेंज है उसको भी आपको ट्राई करवा देती हूँ एक बार, और फिर एक बार मैं आपको वाइट दिखा देती हूँ कि वाइट कैसा है। यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, मुझे ऐसी ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना लेके बड़ा अच्छा लगता है। मैंने और ही बहुत सी चीज़ें मंगवाई हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वियर्ड सी चीज़ें, तो बहुत जल्दी मैं वो भी लेकर आऊँगी। माय गॉड यार इसकी तो पिगमेंट बहुत ही अच्छी है पिंक वाले की, और ये इसमें थोड़ा पानी हो गया ज़्यादा, आई थिंक ये सूखने के बाद थोड़ा सही हो जाए।
बहुत ही केयरफुली आपको इसमें ना पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पिंक कितना उठ के आया है उसमें, एकदम पानी की जो कंसिस्टेंसी थी एकदम बराबर थी, और ये जो ऑरेंज वाला शेड था इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा ना ये पानी पानी सा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लेती हूँ एक बार, नहीं तो ये प्रॉपर शेड आपको दिखेगा नहीं। तो गाइस ये है, इस तरीके से आपको ऑरेंज शेड दिखेगा। तो अभी इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर आएगा। तो ड्राई होने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये पर्पल वाला भी आप देख सकते हैं, ये वाला कि पहले से कितना पेमेंट हो गया। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये कुछ इस तरीके की शेड में आएगा। मेरे कैमरे में काफ़ी कम पिगमेंट दिख रहा है, बट रियल में ये इससे ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो इस तरीके के ये शेड हो गए। तो अब मैं आपको वाइट शेड दिखा देती हूँ। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो आप उनसे बहुत दूर रखिएगा इसको, नहीं तो वो लोग वाटर कलर समझ के इसको खेल डालेंगे इसके साथ। ऐसा लग रहा है कि मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ। इसका व्हाइट कलर इतना अच्छा नहीं है यार, क्या पता मैं अच्छे से मिला नहीं रही हूँ। पर ये ना कुछ पाउडर फॉर्म में है, और ये ना पानी में जैसे मिल नहीं रहा है, जैसे बॉडी टैल्क नहीं होता कुछ उस तरीके से है, और ये मतलब पानी के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं रहा है, दूर हो जा रहा है जैसे पानी के पास जा रहा है, और कुछ चौकी चौकी टाइप का लग रहा है। तो ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसका वाइट शेड। मे बी शायद मैंने अच्छे से इसको मिलाया नहीं है, बट आप देख सकते हैं इसका वाइट शेड अच्छा नहीं है। मुझे सबसे अच्छा अगर मैं बोलूँ मुझे कोई लग रहा है तो वो पिंक लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर शेड आया है पिंक का, और इसका भी अच्छा लग रहा है। मतलब तो इसके डार्क वाले शेड ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है फटाफटा, उतना प्रॉपर जैसा मेरे को वाइट चाहिए था उस तरीके का वाइट नहीं है ये, इस तरीके से आ रहा है ये। तो ये मैंने कुछ शेड आपको दिखा दिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस। तो हम इसको ना थोड़ा सा वाटर टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार। तो इसमें एक जो है वो ड्राई वाला है, और बाकी सब मैंने वाटर के साथ यूज़ किया हुआ है। बह तो नहीं रहा यार अभी तक, पर मैं और डाल रही हूँ, इस तरीके से हो रहा है, मतलब अपनी जगह पे रुका हुआ है, इधर उधर हुआ नहीं है, पर देखते हैं। और जो हमने मतलब ड्राई वाला लगाया था ना वो थोड़ा सा मतलब लाइट हो गया है, बाकी जो लिक्विड वाले थे वो तो वैसे ही हैं। क्या पता ड्राई होने के बाद डार्क हो जाए, थोड़े लाइट लगने लग गए हैं पानी डालने के बाद, पर यह है कि हाँ अपनी जगह पे है वो, कहीं ऐसा बह नहीं गया है, कहीं गया नहीं है, जहाँ था वहीं का वहीं है। तो वाटरप्रूफ तो है यार ये चीज़, तो ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखो तो मैं इसको धीरे धीरे एक बार पोंछ लेती हूँ। तो फैला नहीं है, थोड़ा लाइट हो गया है, क्योंकि पानी हमने बहुत अच्छी तरीके से मैंने पानी डाला है इसके ऊपर। स्वेट वगैरह होता है तो मुझे लगता है कि बहेगा, बट हाँ मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ऐसा मुझको लग रहा है। बट बाकी ये है कि पानी डालने के बाद ये ऐसा फैला नहीं, पूरा ऐसे पिंक पिंक नहीं हुआ है। ये जो ड्राई वाला था ना ये थोड़ा तब भी देखो इस तरीके से आया है, बट जो हमने लिक्विड फॉर्म में यूज़ किए थे गीले करने के बाद वो अपनी जगह पे टिका हुआ है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं आँखों पे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो सिर्फ इसको लाइनर की तरह यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा। 1000 रुपये के हिसाब से ठीक है, आपको बहुत सारे ट्रायल शेड मिल जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वाटरप्रूफ भी है, नियॉन शेड में है। अब एक चीज़ जो बची है वो है ये कि हम इसको लाइट बंद करके एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो गाइस मैंने ना अपनी रिंग लाइट ऑफ करी है, तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और एकदम अंधेरा करने पे नहीं दिख रहा है, मैंने एकदम अंधेरा किया था। तो ये जैसा कि दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा ना इसकी स्वच्छ ड्राई सोच रही हूँ कि ऐसे करके, और एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो बहुत ही यार पिगमेंट शेड है, तो गाइस ये देखिए ये टोटल इतने शेड हैं, मैंने आपको सारे इस तरीके से दिखा दिए इसके स्वॉचेस। मैंने ड्राई में ही दिखाए हैं क्योंकि बार बार पानी लगाना, तो आपको समझ में आएगी कितने ज़्यादा पिगमेंटेड ये शेड हैं। और मुझे जो सबसे बकवास शेड लगा वो लगा इसका वाइट, वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसे लगाने पे भी, और लिक्विड भी मैंने लगाया था तो भी। तो बाकी के शेड अच्छे हैं, बट वाइट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पानी के साथ बिल्कुल भी मतलब जैसे घुल ही नहीं रहा है। और एक चीज़ और बता दो, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही गंदी है, मतलब जैसे कैल्शियम की टैबलेट नहीं आती, इसमें लिखा भी है कैल्शियम, तो जैसे कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती है ना कुछ उस तरीके की इसकी स्मेल कर रही है मेडिसिन टाइप की। अभी जब मैं इसको मतलब स्वॉचेस का ट्राई करी थी तो मेरे को उसकी थोड़ी फ्रेग्रेंस आई, तो मैंने तो थोड़ी सी कुछ मेडिसिन टाइप की इसकी हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बहुत तेज नहीं है, तो हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ये सारे शेड हैं बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ एक चीज़ जो मैंने देखी कि ये फॉल आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको लगाना है, क्योंकि मेरे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो चुका है एक्चुअली। तो ये था इसका रिव्यू। मैं एक्चुअली लाइट बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको, इस तरीके से ज़्यादा मतलब शाइन कर रहा है। और एक चीज़ का यार वो सब लोग बोल रहे हैं कि अंधेरे पे भी दिखता है, बट मेरे को तो अंधेरा करके बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मैं इस पर फिर दोबारा एक बार लाइट बंद करके ट्राई देखती हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक थोड़ा सा नियॉन शेड दिख रहा है खाली बस, ये देखो
बाकी चीजें देख रहे हैं। ये तो जो लोगों ने बोला है कि अंधेरे में शाइन करेगा, जैसे पहले वो मेरी वॉच में था, उसे क्या बोलते थे, रोडियम ऐसा कुछ बोलते थे ना, वो अंधेरे में शाइन करता था, तो इसमें ऐसा था कि ये अंधेरे में भी शाइन करेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नियॉन शेड ही शाइन कर रहा था हल्का सा एकदम, बाकी तो कोई शेड अंधेरे में दिख भी नहीं है दूर दूर तक। तो ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने एकदम झूठ बोला हुआ है, तो ये हटा दो जी उसमें से, क्यों भी ना मतलब मैं उल्लू बना रहे हो कस्टमर को तो। बट ये है कि हाँ ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा नियॉन वाइब्रेंट शेड है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इससे अलग अलग तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लगा सकते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरे हिसाब से ये वॉट बाय है क्योंकि काफी अच्छे शेड मिल रहे हैं। गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो लिंक आपको मेरे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे ये जरूर बताइए कौन कौन इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहता था, किसका किसका मन था इसको मतलब इसका रिव्यू और ट्राई ऑन देखने का, तो वो मुझे प्लीज कमेंट में ना रेड हार्ट दे देना या थम्स अप दे देना, कुछ भी देना मुझे समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।